गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, बचपन पाठ की पिछली कहानी में लेखिका ने अपने बारे में बताया था कि किस प्रकार उसे बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक था। वह नीला, जामुनी, ग्रे, काले, चॉकलेटी आदि अनेक रंगों के कपड़े पहनती थी और इतवार के दिन सुबह सुबह अपने मोजे साफ करती थी और अपने जूते, कपड़े या ब्रश से रगड़कर अच्छी तरह से चमकाती थी। बच्चों, हमने यह भी जाना कि लेखिका के समय में केवल कुछ ही घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न तो बिल्कुल नहीं थे। लेखिका को चॉकलेट, टॉफ़ी खाने का बहुत शौक था और रात का खाना खाने के बाद वह बिस्तर में मज़े ले लेकर चॉकलेट खाती थी। आज की कहानी में हम तुम्हें बताएंगे कि लेखिका को शिमला के काफल बहुत पसंद थे, जो स्वाद में खट्टे मीठे होते हैं। इसके अलावा लाल गुलाबी रंगों वाले रस से भरे कसमल भी उसे बहुत अच्छे लगते। चेस्टनट एक मज़ेदार फल होता था जो आग में भूनकर खाया जाता था। इसके अलावा चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण भी लेखिका को बहुत पसंद था। बच्चों, तुम लोगों को भी चनाजोर गरम बहुत ही पसंद होगा। तो लेखिका उसे कागजों से बनी एक पुड़िया में लेकर हमेशा अपने जेब में रखे रहती थी। बच्चों, उन दिनों एक बहुत ही मज़ेदार गाना चलता था जो स्कूल के हर बच्चे की जुबान पर रहता था। क्या तुम जानना चाहोगे कि वो कौन सा गाना था? तो सुनो। तो बच्चों, तुमको पता चल ही गया होगा कि उस समय कौन सा गाना हर बच्चे की जुबान पर रहता था। आगे लेखिका बताती है कि बचपन में वह शिमला रिज पर घोड़े की सवारी भी करती थी और लेखिका के ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते थे। लेखिका के घर के सामने जाखू का पहाड़ था। बच्चों, जाखू का पहाड़ शिमला का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और शाम के समय जब रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते तो बहुत अच्छे लगते थे। इसके अलावा ऊंचे चर्च की घंटियां जब बजती और दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती तो ऐसा लगता था मानो इसके संगीत से स्वयं प्रभु यीशु कुछ कह रहे हों। लेखिका शिमला में अपने घर के सामने सूर्यास्त की सुंदर छटा का वर्णन करते हुए कहती है कि मानो सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुंदर धारियां जो सुनहरे रंगों की हैं नीले आसमान पर फैल रही हैं, जिसके कारण दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते हैं और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। रिज की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। शाम के समय स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से भी खूब कोलाहल होता था। स्कैंडल पॉइंट शिमला का भीड़ भाड़ वाला एरिया था। इसके आगे लेखिका अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहती है कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां और उस पर खड़ी
छोटे छोटे डब्बों वाली ट्रेन बरबस ही किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि तुमने क्या सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा फल आग में भूनकर खाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए काफल, ऑप्शन बी कसमल, ऑप्शन सी संतरा और ऑप्शन डी चेस्टनट। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चेस्टनट। क्वेश्चन नंबर 2, स्कैंडल पॉइंट की दुकान के सामने किसका मॉडल बना हुआ था? आपके सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रेन, ऑप्शन बी बस का, ऑप्शन सी कार का और ऑप्शन डी जहाज का। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक, आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रेन का। क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका घुड़सवारी कहाँ करती थी? ऑप्शन ए शिमला रिज, ऑप्शन बी स्कैंडल पॉइंट, ऑप्शन सी गिरजा मैदान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक, आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए शिमला रिज। क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका को कब ऐसा आभास होता कि प्रभु यीशु कुछ कह रहे हैं? ऑप्शन ए चर्च की घंटियां बजने पर, ऑप्शन बी पूजा करने पर, ऑप्शन सी रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाने पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए चर्च की घंटियां बजने पर। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।